नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम बायोलॉजी के सेक्शन में ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले हमने जो मानव की श्वसन प्रणाली होती है उसके ऊपर वीडियो बनाया था और देखा था अब तक जितनी भी कॉम्पिटिशन परीक्षाएँ हुई हैं उसमें स्वतंत्र जो श्वसन तंत्र होता है उससे क्या क्या प्रश्न बने तो उनके बारे में हमने देख चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही ध्यान रखिए कि एक डेढ़ महीने के एक महीने भी अब मेरे ख्याल से एक महीने ही बचे हैं आपकी परीक्षाओं में देखा जाए तो, उसमें अगर आप UPSC के देखेंगे तो साइंस सेक्शन में आप देखेंगे 15 से 18 प्रश्न आते हैं, उसमें से 12 से 12 या 11 प्रश्न आप देखेंगे बायोलॉजी सेक्शन से होता है। तो बायोलॉजी जो है तैयार करना बहुत ज़रूरी है और इसमें कुछ नए प्रश्न नहीं बनते हैं, नए प्रश्न आपके जो बनेंगे वो साइंस टेक्स्ट से बनेंगे। साइंस टेक्स्ट तो मतलब जो आपका करंट अफेयर में आता है उससे संबंधित। तो चलिए उसको ध्यान से देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र, अल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायित्व अंग कौन सा है? वह है यकृत है, यानी कि लीवर। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है कितना? लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मानव वक्र के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? वक्र में उत्सर्ग उपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वक्रिया धमनियों से वापस जाता है। बोमन संपुट से निशांतित द्रव लघु नलिकाओं से निकलता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा विक्रिय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो कौन सा कथन सही है इसमें देखा जाए? दूसरा सही है। अब मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं? डायलिसिस। आप जानते हैं ये कृत्रिम प्रक्रिया होती है जो जब भी व्यक्ति या किसी अन्य देखा जाए तो व्यक्ति का ही अक्सर होता है, जब उनकी किडनी खराब हो जाती है तो उनके खून का फिल्ट्रेशन करने के लिए यानी शुद्धिकरण करने के लिए ये एक कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसे डायलिसिस कहा जाता है। सही कथन है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। बात सही है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है वो किडनी के माध्यम से किया जाता है। डायलिसिस संबंधित है किससे? वक्र से संबंधित है, यानी कि किडनी से संबंधित है। यूरिया रक्त में पृथक किया जाता है गुर्दों के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दों के द्वारा यूरिया का प्रतिकरण किया जाता है। अब उसके आगे देखते हैं क्या है कि गुर्दों में मानव के गुर्दे अंग हैं कैसा एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन प्रणाली में आते हैं। वक्र यानी कि प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कितनी तेजी से चल रहा है ये देखिएगा। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होते हैं वह क्या है? वह वक्र है। वह वक्र कार्य जब वक्र कार्य करना बंद कर देता है तो जो पदार्थ जमा होता है वह क्या होता है? आप देखेंगे रक्त के नत्रजनी अपशिष्टी पदार्थ में। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, क्या नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण है। मानव रक्त अश्मरी यानी किडनी स्टोन में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? वह है कैल्शियम ऑक्सलेट है, याद रखिएगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। किडनी और गुर्दे में दोनों याद रखिएगा। अब है तंत्रिका तंत्र, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके बारे में ये प्रश्न बनता है। यहीं से आप देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी कंट्रोल सिस्टम भी यहीं से आपका संबंधित होता है, तो यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। मनुष्य में कपाल तंत्रिका तंत्र पाई जाती है कितनी? 12 जोड़ियां पाई जाती है, याद रखिएगा। मनुष्य में जो कपाल तंत्रिका पाई जाती है वो 12 जोड़ी पाई जाती है। कशेरुक रज्जु ने स्पाइनल कॉर्ड
कॉर्ड में से तंत्रिका निकलती है कितनी? 31 जोड़ी निकलती हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए आवश्यक है। अब है प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र है क्या है? कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्शन मतलब या आपने किसी को देखा या किसी ने आपको देखा आप उसको देख के कैसा रिएक्ट कर रहे हैं या किसका परिणाम होता है किस गति का परिणाम होता है या होता है जो स्पाइनल कॉर्ड कशेरुक रज्जु तो उसके कारण होता है कि आप किसी को देख के कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। सुई चुभने पर त्वचा मस्तिष्क हृदय एवं नेत्र में से वह जो दर्द महसूस नहीं करेगा वह आप देख रहेगा मस्तिष्क। सुई चुभने पर जैसे कि आप सर के ऊपर यहाँ देखेंगे अपने जहाँ आप माथा होता है वहाँ क्या होता है बहुत ही हार्ड सरफेस से बना होता है तो वहाँ थोड़ा सा कम दर्द महसूस होगा। हालांकि त्वचा में जैसे लगते पता चल जाता है हृदय में लगेगा तो नेत्र में लगेगा तो लेकिन मस्तिष्क में इन जो तीन और ऑप्शन दिए इनकी अपेक्षा कम महसूस होगा इसलिए यहाँ पर दर्द महसूस नहीं होगा शब्द यूज किया गया कि इन चारों में से ऑप्शन को आपको सही चुनना है। मैंने कल भी बताया था कि जरूरी नहीं हो जो आप पढ़ के गए हो वो ऑप्शन में आ जाए प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन को चुनना पड़ता है। अब है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम में मानव के स्मरण यानी कि याद करने की क्षमता जो होती है क्या किसी बहुत रट्टू टोटा है बोलेंगे अरे यार इसको हर चीज याद आती है तो उसकी वो सेरिब्रम क्षमता होती है उसकी वो याद करने की क्षमता जो मस्तिष्क के उस भाग सेरिब्रम में होती है उसके बारे में बात होती है। अब मानव शरीर का तापमान ना ही जाड़े में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है। जब भी इस तरह कोई प्रक्रिया होती है तो हमारा शरीर रिफ्लेक्शन करने लगता है बुखार आने लगता है किसी प्रकार की कोई क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है जिससे हम अपने ब्लड को संतुलित कर पाए। अगर घट जाएगा बढ़ जाएगा तो इंसान की तुरंत मृत्यु भी हो जाएगी। अब है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है वो कैसे होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। तापमान बढ़ने या घटने से बुखार आ जाता है इसका मतलब होता है कि हाइपोथैलेमस उस चीज को समझ नहीं पा रहा है तो बस वही दिक्कत होता है। हाँ उसी के लिए हम विभिन्न प्रकार के मेडिसिन का यूज करते हैं जिससे हम स्वस्थ हो पाए। तो याद रखिएगा शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपो से ही याद करिएगा कि जब कोई चीज हाइपर हो जाती है यानी कि तापमान बढ़ गया घट गया ऐसे करके याद करिए तो हाइपोथैलेमस याद रखिए थैलेमस ध्यान रखिएगा। पित्त पृत एवं प्यास प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित है हाइपोथैलेमस में। कहाँ है वो आप देखेंगे हाइपोथैलेमस होते हैं कि हमें पानी पीना है खाना खाना है या कुछ चीज हमें पसंद आ रही है ये कैसे पता चलेगा? ये हाइपोथैलेमस की देन होती है। हाइपोथैलेमस से हम रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छे समझ पाते हैं। अब है मनुष्य से अभी देखिए मुझे प्यास लगी है मैं पानी पीना चाहता हूँ मेरे गर्दन सूख रहा है ये मेरे मस्तिष्क को किस भाग में इस बात का संदेश आ जाएगा? वो हाइपोथैलेमस के थ्रू जाएगा कि अरे आपको प्यास लग रही है आपको पानी पीना चाहिए जैसा मैं अभी पीने जा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है लगभग 37 डिग्री होता है। याद रखिएगा हम लोग पहले पढ़ते थे और बचपन में हमें याद है हम इसको 98 डिग्री सेल्सियस याद करके रखे थे। जब थोड़ा समझदार हुए समझना स्टार्ट किए तो हम कहे यार 100 डिग्री तो पानी उबल कैसी तैसी हो जाती है तो कैसे ये नॉर्मल है कि मनुष्य के शरीर का तापमान 100 डिग्री या 98 डिग्री पहुंच जाए क्योंकि थोड़ा समझ कम थी समझ विभिन्न प्रकार के जो ताप के पैमाने होते हैं उनकी समझ कम थी। धीरे धीरे समझ हो गई तो समझ में आने लगा कि ये गलत है वो फॉरेनहाइट होता है फॉरेनहाइट तापमान से ज्यादा होता है। इसके निकालने की अपनी अपनी विधि होती है आपने जब वो पढ़ेंगे क्या नाम है फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से बताया जाएगा आपको। वैसे आप ध्यान रखिएगा मानव के शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और आप देखेंगे ये आप उसके बाद जो फॉरेनहाइट में जाएगा तो 98.6 फॉरेनहाइट जाएगा जिसको आप बुखार नापने के लिए जो थर्मामीटर में यूज होता है। अब मानव मस्तिष्क में
निगरण और उल्टी का नियामक केंद्र कौन है? मेडुला ऑब्लॉगेटा है। कौन है? मेडुला ऑब्लॉगेटा है। इसीलिए देखिए, जब हमें उल्टी आती है, किसी बीमारी के दौरान उल्टी आती है, उसमें जो दवाई दी जाती है, उस दवाई के जब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे खोल के ना, तो उस दवाई में ये नहीं लिखा रहता है कि ये उल्टी रोकने वाली दवा है। सामान्य जो दवा होती है उनके बारे में बात करें, उसमें लिखा रहता है ये मस्तिष्क को सूचना देने की वाली दवा है जिससे उल्टी ना हो पाए। तो मस्तिष्क में किसको सूचना देगी वो दवा? वो मेडुला ऑब्लॉगेटा को देती है। इसलिए जब भी आप उल्टी वाली दवा देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो उसमें आपको गूगल में ही जानकारी मिलेगी दवा के बारे में। तो याद रखिएगा, उल्टी और जब मछली होने लगती है, तो उसको किसको केंद्र मतलब सूचना जाती है? वो मेडुला को जाता है। है कि अंतःस्रावी तंत्र, मतलब कि जो श्रावण से संबंधित होते हैं, उनके बारे में है इस चैप्टर में। अब है कि पित्तपिंड, जहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सन्नति है, वह क्या है? वह अंडाशय है। वक्र में, वक्र से मूत्र की मात्रा का नियंत्रण निस्तारण नियंत्रित होता है। किस हार्मोन से? ADH हार्मोन्स के माध्यम से होता है। अब है सही, देखेंगे सही सुलेमित है कि जनन ग्रंथियां कौन सी होती हैं? प्रोजेस्टेरोन होती हैं। पीयूष ग्रंथियां क्या होती हैं? वृद्धि हार्मोन्स के लिए होती है। अग्नाशय इंसुलिन के उत्सर्जन के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं अधिवक्र वो क्या होता है? कार्टिसोल होता है। तो जनन ग्रंथियां किसके लिए होती हैं? वो देखेंगे प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स के लिए स्रावित होती हैं। पीयूष ग्रंथियां किसके लिए होती हैं? वह वृद्धि हार्मोन्स के लिए होती हैं। अग्नाशय से इंसुलिन यानी कि शुगर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स निकलता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अधिवृक्क जो होता है वह कार्टिसोल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बार देख ले वॉइस की क्या स्थिति है। वॉइस सही आ रही है आप लोग को, क्योंकि मेरे इसमें सॉफ्टवेयर में सही दिखा रहा है। अब है प्रोजेस्टेरोन, वो गर्भवती महिलाओं का हार्मोन्स होता है। ये थोड़ा ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ हार्मोन से आप देखेंगे प्रत्येक परीक्षा में एक दो क्वेश्चन तो बन ही जाता है, और UPPCS और RO ARM तो बनेगा ही बनेगा। कि इस बार भी ये जो पेपर कैंसिल हो गया था, उसमें भी देखेंगे तो इस चीज का आपको पता चल जाएगा। अब है प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय महिलाओं के लिए। टेस्टोरॉन वो जो होता है वो वक्र पुरुष की से निकलता है। थायरोक्सिन वो थायराइड ग्रंथि के से निकलता है। आप जानते हैं इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। अब आगे देखेंगे, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्तरी बनने बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन्स ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और गैस और ग्लूकोगन नहीं बनेगा। अगर अग्नाशय में खराबी है तो इंसुलिन आप जानते हैं जो हार्मोन्स शुगर नियंत्रण के लिए होता है, वो नहीं निकलेगा, वो नहीं बनेगा। और ग्लूकोगन नामक एक हार्मोन से वो भी नहीं बनेगा। दोनों ही याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ऑप्शन में दोनों दे दे और आपको लगे सिर्फ इंसुलिन आप पढ़े हुए हैं, तो हो सकता है यहाँ प्रश्न गलत हो जाए। यहाँ प्रश्न गलत हो जाएगा तो ये मत सोचिएगा कि आपसे प्रश्न गलत हो रहा है, नंबर कट जाएगा वो ठीक है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें ना, आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, सब कुछ 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 जानना जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर दूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, लेकिन सब कुछ 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 जानना जरूरी है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और गैसुलिन नहीं बनेगा, ठीक है। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार से कार्य करती है, कौन सी है? वह देखेंगे आप अग्नाशय है। अब आगे, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्सर्जित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? वो सिक्रेटिन है। आगे देखें, मधुसूनी यानी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन से एक पेप्टाइड है।
इंसुलिन होता है कैसा, प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। मानव तंत्र में इंसुलिन चयापाचन यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, चावल वावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो क्या करता है इंसुलिन? इंसुलिन उस कार्बोहाइड्रेट से जो होने वाली प्रतिक्रिया उसको रोकता है। हाँ, इसीलिए कहते हैं जब शुगर में चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की चीज़ जैसे चावल हो गए सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है उसको नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन नहीं निकलता, और जब वो इंसुलिन नहीं निकलेगा और कार्बोहाइड्रेट बढ़ता चला जाएगा मानव शरीर में, तो मानव शरीर में यह एक प्रकार से जहर का काम करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इंसुलिन होता है क्या होता है, याद रखिएगा, ये एक प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, इंसुलिन एक प्रोटीन है। मानव तंत्र में इंसुलिन चयापाचन मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का, मैंने आपको अभी समझाया था। अब है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है इंसुलिन हार्मोन्स होता है। इंसुलिन में धातु मौजूद होती है जस्ता। अब उसके आगे देखते हैं क्या है। उदक में यही डायबिटीज इंसिपीडस वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है, क्योंकि उदक में वाले व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय श्रावण से ग्रस्त होते हैं। तो आप देखेंगे ए सही है, परंतु आर गलत है। कथन है कि विस्की जो है, विस्की पीने से मूत्र त्यागने की बारंबारता बढ़ जाती है। कारण क्या होता है? अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का श्रावण बढ़ जाता है, जो कि गलत है। हाँ, ये होता है कि हाँ, किसी प्रकार के मादक पदार्थ को आप पियेंगे तो उससे आपका जो मूत्र त्यागने की बारंबारता होती है वह बढ़ जाती है, यानी कि आप बार बार आप पेशाब की ओर जाएंगे। लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टोमिन एवं इंसुलिन में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? वो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, अग्नाशय से निकलता है, ये एक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। हार्मोन्स जो अग्नाशय के लैंगर हेंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं से स्रावित होता है, वह है इंसुलिन। ये देखिए, बहुत हम लोग अब तक अग्नाशय पढ़ रहे थे। हाँ, लेकिन ये देखिए डीप क्वेश्चन, ये मुझे ऐसा लग रहा है यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन बनते, इतना डीप और यूपीपीसी में बन जाते हैं अक्सर। लैंगर हेंस के आइलेट की बीटा सेल से, हो सकता है इसमें अल्फा सेल लिख सकता था, इस तरह की बात ध्यान रखिएगा। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है अग्नाशय में आइलेट ऑफ लैंगर हेंस के द्वारा किया जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। इंसुलिन है एक क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलियों की जड़ से। अब है देखेंगे कि देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट भी टिक किया हूँ इसमें, मैंने पढ़ा है, मुझे लगा ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है या थोड़ा नया है, तो मैंने इसको भी टिक कर रखा है। इंसुलिन क्या होता है? रक्त स्रावण का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन जो होता है वह निद्रा का नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। इंसुलिन होता है वह रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, और मेलाटोनिन जो होता है वह निद्रा का नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। मेलाटोनिन जो होता है वह निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वह आप देखेंगे कि स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निष्कासन होता के लिए होता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, आपने देखा होगा। उसके बाद देखेंगे ये मेलाटोनिन, याद रखिएगा, निद्रा के नियंत्रण के लिए होता है। थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 2023 के पीसीएस में शायद पूछा गया था कि आर ओ यारो 2024 वाले में भी जो कैंसिल हो गया, तो उसमें मेलाटोनिन के बारे में पूछा था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रिन क्या है? ये गैस्ट्रिक अम्ल का श्रावण के लिए है। माँ और शिशु के बीच गले लगने या चूमना मोचन को प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करता है, ये एक प्रेम हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। अब है हार्मोन्स जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का श्रावण होने में भूमिका निभाता है, वह है ऑक्सीटोसिन है। कैराटिन, फाइब्रिन, ऑक्सीटोसिन एवं कालाजान में से एक प्रोटीन नहीं है, क्या नहीं है? वह आप देखेंगे ऑक्सीटोसिन नहीं है। प्यूस यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहाँ? मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है, बात ध्यान
ध्यान रखिएगा, अभय ग्रंथि जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है वह पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि ही ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है। अब है पीयूष ग्रंथि अपने प्रेषक हार्मोन्स की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथियों से स्वतंत्र कार्य कर सकती हैं वह है पराउठ है। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है। किसकी? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। ऑक्सीटोसिन है क्या है? एक हार्मोन। थायरेक्सिन क्या है? एक हार्मोन से ध्यान रखिएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन से थायराइडिक्सिन है। आयोडीन युक्त नमक उपयोग होता है क्योंकि वह देखा जाता है थायरेक्सिन ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। कथन है पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटार यानी घेंगा एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा में कमी होती है। तो आप देखेंगे दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करता है, लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन मुझे लग रहा है प्रासंगिक नहीं होगा अगर इस नजरिए से देखा जाए तो। आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरॉक्सिन है। एक क्या है? अमीनो अम्ल है। ध्यान रखिएगा क्या है? एक अमीनो अम्ल है। थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है आयोडीन की कमी के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरेक्सिन श्रावण करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन से TSH है। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग होता है। अब है एड्रेनल क्या है? वो क्रोध भय और खतरा का। एड्रेनल हार्मोन जो होता है वो क्रोध, जब आपको क्रोध आता है तब, जब भय लगता है तब, खतरा होता है तब इसका हार्मोन उत्सर्जित होता है। अब एस्ट्रोजन क्या है? वो स्त्री हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या होता है? वो ग्लूकोज के नियंत्रण के लिए होता है, आप जानते हैं। फेरोमोन किस लिए होता है? गंध के बोध के साथ ही वो आकर्षित करने के लिए होता है, फेरोमोन होता है। याद रखिएगा थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, फेरोमोन होता है। अब तक मतलब बहुत कम इसी प्रश्न में मेरे ख्याल से ये आया तो मैंने इसको टिक किया हुआ, थोड़ा सा याद रखिएगा। अब लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है किसे? एड्रेनल को कहा जाता है। एड्रेनल वही है जो क्रोध भय खतरा या किसी प्रकार से आप बाइक तेज चला रहे हैं तो आपको अनुभव होता है कि मुझे धीमे करनी चाहिए, या सडनली आप कहीं आवाज होती है तो आप तुरंत देखने लगते हैं या किसी को क्रोधित हो जाते हैं। कि किस हार्मोन के कारण होता है? वो एड्रेनल हार्मोन के कारण होता है। और जो वर्तमान में आप देखते हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? कहते हैं आप डिप्रेशन में या किसी प्रकार की बीमारी नाम बता जिससे आप त्रसित हैं, हाँ, तो वो क्या करते हैं? वो ये एड्रेनल हार्मोन्स कम स्रावित हो, हाँ, सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम हो, इसके लिए वो क्या देते हैं? वो एड्रेनल की एक गोली देते हैं, जिसे कहते हैं कि डिप्रेशन गोली। वो शुरू शुरू में तो सही लगता है, आपको क्रोध नहीं आता है, आपको भय नहीं महसूस होता है, आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी होता है जो बाद में करीबन 2 साल 3 साल बाद आपको महसूस होता है। कभी कभी तो इस चीज की दवा पूरी जिंदगी खानी पड़ती है। अभी अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसमें आपने इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि जो वर्तमान में जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं विश्व के वो क्या करते हैं? डिप्रेशन के नाम पे सब कुछ जो दवा देते हैं वो दवा रहती है आपके एड्रेनल की दवा रहती है, और उससे क्या होता है? लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, फ्री माइंड हो जाते हैं, थोड़ा सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, लोग अपने में खुश होने लगते हैं। लेकिन जैसे वो दवा छोड़ते हैं उनको फिर से वो सब अनुभव होने लगता है, और फिर धीरे 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 ये एक ड्रग्स के रूप में कार्य करने लगता है। ड्रग्स के रूप में कार्य करेगा, पूरी जीवन आपको दवा खानी पड़ेगी और फिर इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए थोड़ा इस चीज इस तरह की दवाओं से जो आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार के स्रावत को रोकता है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। अब है वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है वह है एड्रेनलिन होता है। इसके श्रावण से हृदय गति बढ़ जाती है, उत्तेजना का अनुभव होता है, वह क्या है? और एड्रेनलिन है, याद रखिएगा। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा। एस्ट्रोजन एंड्रोजन इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन में से महिला सेक्स हार्मोन्स कौन सा है? वह है एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन है क्या है? आप देखेंगे स्त्रीलिंग हार्मोन्स है।
एंड्रोस्टेरॉइड, टेस्टोरॉन, एस्ट्रोन एवं थायरेक्सिन में से स्त्रीलिंग हार्मोन्स कौन सा है? वो है एस्ट्रोन है। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का खतरा बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति के व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का खतरा सॉरी सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुष की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन पान करती है, ये भी सही है। महिलाओं के अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोरॉन उत्पन्न करती हैं, ये भी आप देखेंगे। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों के सामान्य हार्मोन्स और टेस्टोरॉन होते हैं। एंजाइम लाइपेज होता है। फास्लोपिडिक क्या होता है? वो होता है आप देखेंगे लेसिथिन होता है। बहुलक क्या होता है? वह है पाइलीस्थीन होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से उत्सर्जित स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये किसके गुण है आप देखेंगे, सब विशेषता है अग्नाशय की है। मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो वाहिनी हीन है, वह अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है। पराबुट पैराथॉक्सिन हार्मोन कारण सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। कारण क्या होता है? तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन जो मैंने बताया नींद का मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक हो जाता है, जो कि गलत है। मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक हो जाएगा तो नींद और ज्यादा गहरी आएगी, है ना? क्योंकि जो अगर नहीं होगा तो नींद तो, और तीव्र प्रकाश में क्या होता है, मेलाटोनिन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसीलिए लोग कहते हैं सोते वक्त अंधेरा जरूरी होता है। उससे क्या होता है, जब अंधेरा होता है ना तो मस्तिष्क को में क्या होता है, मेलाटोनिन को स्रावण होने लगता है, तो जिससे कहते हैं निद्रा का हमें अनुभव होने लगता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वह क्रमशः देखिएगा पाइनी एल एवं एट्यूट्री है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, जनन एवं भ्रूण विकास के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।